इस सरकार के पास 300 से ज्यादा सीट है, पिछली बार उनके पास 303 सीटें हैं, 300 से ज्यादा सीटें हैं, पिछली बार सिंपल मेजोरिटी आ गई थी। इस सरकार को गठबंधन की जरूरत नहीं है। 100% सीट बिहार में जीती है। ये भागलपुर से आते हैं इसलिए हम इनको मोटी बात चाहते। मोटी बात ये है 60% सीट बिहार में जीती है जी। मोटी बात ये है सिंपल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, जैसे इंदिरा जी की सरकार 80 की, राजीव गांधी की 84 की, 71 की सरकार सिंपल मेजोरिटी की सरकार है। तो बोले गठबंधन वैल्यूज हैं, तो भाई जरूरत नहीं ना, सिंपल अपने दम पे आए हैं, वो बाकी सब चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, यही राजनीति का नियम है। अनुप्रिया जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेरा सवाल ये है कि भाई आपने पहले बोला था कि मैंने आपको टोक दिया बीच में, केजरीवाल के साथ हैं, केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया था इस बार। तेजस्वी जी को कन्हैया पसंद नहीं आते। नहीं नहीं, कन्हैया पसंद नहीं आते, गुजरात में पंजाब खाली कर दिया। ऐसे में ऐसे प्रतिद्वंदी आज सुबह मिले राहुल गांधी से, वो यहाँ मिल रहे हैं केजरीवाल से। आप बताइए ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं अनुप्रिया जी? देखिए पंकज जी बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी बातों को रखा और उनकी चिंता बार बार बिहार के गठबंधन के साथियों पे और उनके आइडियोलॉजी के पे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा उनको रहा। मैं थोड़ा सा मैं उनको बता दूं कि सर बिहार के साथ में आप देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी थोड़ा देख ले। अगर आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी जिसको हम लोग कहते हैं कि जनसंघ पहले हुआ करता था और जनसंघ को बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको मानते हैं कि वो उनके नेतृत्व में उनके जनसंघ बना, उनके ऊपर के उनकी जो मृत्यु हुई थी वो जेल में हुई थी और कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला की इशारों पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप कोट कीजिए किताब को। नहीं 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 नहीं, मैं इस पोडियम को नहीं 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 नहीं, श्यामा प्रसाद जी की डेथ का कोई भी एफर्मेटिव नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मेरे प्रोग्राम में नहीं। श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु वहां वहां हुई बिल्कुल है नहीं अनुप्रिया जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को वेपनाइज मत कीजिए प्लीज। जी के बातों में है कि जस्ट आइडियोलॉजी के साथ में आप मेरी बातों को सुने, आइडियोलॉजी की बार बार चर्चा करती है। क्या महबूबा मुफ्ती के साथ में बीजेपी की आइडियोलॉजी मिलती है क्या? ये किस तरह की राजनीति थी और किस चीज की मांग थी? वो सैद्धांतिक रूप से सही थे। और यहाँ बात करें, मैं कह रही हूँ कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए आपका बनता नहीं है कांग्रेस से, 2024 का चुनाव देश की राजनीति का चुनाव है, यह राज्य स्तरीय चुनाव नहीं हो रहा है और केंद्र की शासित राज्य सरकार है उनके खिलाफ में है और उन्होंने जो वादा किया था, हम बार बार कह रहे हैं कि हम चेहरे पे बात नहीं कर रहे, हमें मोदी से कोई तकलीफ नहीं है, मोदी के चलाए जा रहे सरकार से तकलीफ की सरकार इस तरह से चल रही है जहां से किसी भी आम जनता के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, आम जनता के बारे में बोलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी सबके बारे में बोलेंगे, इतने दिन हो गए अडानी के ऊपर लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने नहीं सुना कि भाई देखो हम पे इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, जहां विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु की कल्पना हम करते हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कालिक लगा। तो आप जेपीसी की जो मांग उठा रही है विपक्ष या जनदेश की जनता कह रही है आप दे दीजिए ना, किस बात का डर है आपको? तो कौन सा ऐसा राज है जो आप छुपाना चाह रहे हैं और उस राज के आप आंचल तले आप कई ऐसे कुतर्त कर रहे हैं देश के विपक्षी नेताओं के घर में, ईडी सीबीआई आपके मुकुल राव के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं, व्यापम घोटाला आप भूल गए क्या, येदुरप्पा के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी की बात मुझे कहते हैं, मैं पंकज जी कहूंगी कि सर एक बार आप मेघालय के इलेक्शन जो कुछ महीनों पहले हुआ है वहां भाजपा के नेता और मुझे लगता है कि गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को आपने कहते सुना होगा कि देश की सबसे करप्ट अगर सरकार है तो मेघालय की सरकार है। ऐसी कौन सी आपकी महत्वाकांक्षा और मजबूरी हो गई कि आपने वहां पर उसके साथ में सरकार बना ली? तो देखिए जिस आइडियोलॉजी और जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, यह आज के संदर्भ में बीजेपी ने कई ऐसे मंचों पर और कई ऐसे मौकों पर उन्होंने अपने ही वक्तव्य को उन्होंने खारिज किया और मैं बार बार कह रही हूँ कि 2024 का चुनाव कई ऐसे चेहरे मुझे लगता है सुबह से लेकर के अभी शाम तक में कई और दृश्य बदले हैं और आपको आने वाले समय में कई और दृश्य बदलते हुए नजर आएंगे, कई विपक्षी नेता एकजुट आपको नजर आएंगे और ये बहुत कई कुर्बों में नजर आएगा।
ठीक है, कार्तिकेय जी बिल्कुल बोलिए मनोज जी। कार्तिकेय जी थोड़ा समय दीजिएगा, मुझे दो दो विपक्षी दलों को बैठा रखा है, कम से कम मुझे पूरा समय दिया कीजिए और बीच में आप टोका टोकी, मैं अपने आपको प्रश्न पूछना है तो सारे प्रश्न अभी पूछ। देखिए सुनिए सुनिए मनोज जी, मैं आपको टोका टोकी नहीं कर रखा था और ये कोई ऐसा नहीं कि अनफेयर मैच है। सुनिए मेरा चल, मुझे डिक्टेट मत कीजिए, ठीक है मनोज जी, विद रिस्पेक्ट डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी, ठीक है ठीक है, डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी, नहीं नहीं पहली चीज, पहली चीज डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी, दूसरी चीज सुन लीजिए, टोका टोकी आपने शब्द इस्तेमाल किया, पहली चीज मैंने नहीं इस्तेमाल किया, टोका टोकी बात कीजिए, और दूसरी चीज मनोज जी, दूसरी चीज दो विपक्षी दलों को बिठा रखा है, 2:1 नहीं है ये, अगर 5 भी होंगे तो मैं अपने शो पे बिठाऊंगा, ठीक है। अब आप बोलिए, आप ये मत कहिए कि दो विपक्षी दलों को बिठा रखा है, मेरे शो में चार चार बैठते हैं मनोज जी, मनोज जी ये मत बोलिए, नहीं ये मत बोलिए मनोज जी कि दो दो बिठा रखा है, कोई ऐसा नहीं, आपको देखिए बात रखवानी है कि नहीं रखवानी, सुनिए मनोज जी ये मत बोलिए, नहीं ये नहीं कह सकते आप कि दो दो बिठा रखे, पूरी बात रखने, नहीं बात पूरी रखिए, आप बात पूरी रखिए, पर ये मत बोलिए दो दो बिठा रखे, ये दो दो कोई सामान नहीं है, दोनों विपक्षी दलों के नेता हैं। मुझे कम से कम पूरा समय तो दीजिए, आपको पूरा समय मिलेगा, और आपने मेरे प्रोग्राम देखे हो तो हर विपक्षी दल को कम से कम 10 मिनट मिलता है और सत्ता वालों को तो 12, 14, 15 मिनट देता हूं मैं, मुझे बात बोलिए, तो आज पहली बार आपसे सामना हो रहा है, बोलिए जी। देखिए ऐसा है कार्तिकेय जी, जिस विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं, जिन बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गठबंधन किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्वीकार्य यात्रा थी, पूरे देश के वो नेता थे, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता बन पाए क्या, वो अपनी पार्टी के नेता तो बन नहीं पा रहे हैं, पार्टियों की लगातार टूट रही है, क्या नीतीश कुमार जी पूरे देश के नेता बन पाए क्या, क्या ममता बनर्जी पूरे देश के नेता है क्या, क्या अखिलेश यादव पूरे देश के नेता है क्या। और दूसरा विषय, 37 दल है लगभग 37 दलों में से अगर हम लोग आकलन करें तो आपको पता होगा कि 16 दल लगभग इनके साथ में है, जिसमें 16 दलों में से 122 सांसद इनके साथ में है, कांग्रेस के समर्थन में जो दल है, और 20 दल ऐसे हैं जिसमें से 118 सांसद है जो इनके विपक्ष में है, जी वाईएसआर कांग्रेस लगा लो, चाहे नवीन पटनायक जी की पार्टी लगा लो, ऐसी अनगिनत पार्टियां छोटी छोटी करके, तो ये कौन सी विपक्षी एकता की बात करते हैं। तीसरी बात, जो ये अनुप्रिया जी ये पढ़े लिख करके शायद आना चाहिए इनको, इनको ये कंफ्यूजन है कि शेख अब्दुल्ला जी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चलाते थे या पीडीपी से उनका कोई संबंध था, मुझे लगता है ये सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा कम से कम संज्ञान लेकर के आना चाहिए। और बिहार का क्या हासिल कर दिया है, बिहार का क्या हासिल कर दिया आपने, जंगल राज रिटर्न हो गया, आप तो कहते थे हम कभी उनके साथ जाएंगे नहीं, और क्यों चलेंगे आप उनकी गोदी में, देखिए क्या तरीका है, क्या तरीका है। अनुप्रिया जी मैं म्यूट कर दूंगा आपको, अनुप्रिया जी मैं आपको म्यूट कर दूंगा, मनोज जी को बोलने दीजिए, गलत बात, आपको पूरा टाइम दिया, मैं म्यूट कर दूंगा, बोलिए मनोज जी। पढ़ लिख करके आया कीजिए, और जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, आपने क्या कर दिया, सासाराम जल रहा है, नालंदा जल रहा है, और जिस रोजगार की बात करते थे, अरे आप खैराज में हमेशा आए हैं सरकार में, कभी बीजेपी के दम पर कभी किसी के दम पर, और नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय नेता है, बताइए कितने बार से वो विधायक है, वो जरा बताइए जनता के बीच कितने बार गए, MNC है, लगातार एमएलसी रहे हैं, तो किस जनता की बात कर रहे हैं। और मेरा चौथा सवाल, अगर ममता बनर्जी को अगर तेलंगाना में 5 सीटें मिल जाए तो जरा बताइए क्या असर पड़ेगा तेलंगाना में, और नीतीश कुमार जी को अगर मेरे हरियाणा से लड़ा दिया जाए तो मुझे जरा बताइए क्या अंतर पड़ जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर TMC अगर तेलंगाना में लड़ेगा तो क्या अंतर पड़ेगा, अगर KCR यूपी में 5 सीटें ले ले तो क्या अंतर पड़ेगा। ऐसा है, सीधी सीधी लड़ाई हमारी, कांग्रेस पार्टी हो या क्षेत्रीय दल, उनसे भाजपा की सीधी लड़ाई है, 2014 में भी सीधी लड़ाई रही, 2019 में भी सीधी लड़ाई रही, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मूल विषय ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है कि अपने TRP बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। और बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, सर मुझे बताइए, मैं बता देता हूं आपको, G7 देश या G20 देश है, उनको रिकॉर्ड उठा के देखिए, और जिस ब्रिटेन की धरती के ऊपर राहुल गांधी भारत को गाली दे रहे थे ना, भारत की संसद को बदनाम कर रहे थे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम कर रहे थे, मीडिया को बदनाम कर रहे थे, वहां की इन्फ्लेशन रेट देखिए, महंगाई दर देखिए। और भारत में IMF के चेयरमैन ने क्या कहा, उन्होंने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि भारत 5.9% की दर से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जिस चीन को ये सद्भावना का दूत बोलते हैं, सद्भावना देश बोलते हैं, उसकी 4.5% की ग्रोथ रेट रहने वाली है।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे आखिर क्या हो रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, न केवल देश में उनका सम्मान बढ़ रहा है बल्कि वो ग्लोबल लीडर के रूप में उभर करके आए। और पांचवी बात सर, ये लोग कौन कौन लोग साथ हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले जिन पर लगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी एक लोकसभा का सांसद नहीं है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी जी 52 सांसद उनके पास में, 44 सांसद उनको पिछले 2014 में मिले थे और अब ये सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। और अभी क्या हुआ, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी केजरीवाल जी और वहां पर खड़े हुए थे नीतीश कुमार जी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का सवाल लिया तो सर मुड़ाते ही जिसको कहते ना ओले पड़ना, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? तो ये केवल गठबंधन बनाने वाले, भ्रष्टाचार का गठबंधन जो बनाने वाले हैं, वो कितना ही गठबंधन बनाए और भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं जी। 14 में भी हम लोग इनके सामने लड़े, 2019 में भी हम लोग लड़ेंगे, 2024 के अंदर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हैट्रिक से देखिएगा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, आपने पूरी बात कह ली अपनी, मैंने आपको टोका नहीं। अब अनुप्रिया जी आप बोलिए, आप पूछिए अनुप्रिया जी, अब आप बोलिए, आप बोलना चाह रही थी ना, बोलिए। हाँ जी, मनोज जी ने बहुत ही मतलब उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा चेहरा था कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया। आपको याद होना चाहिए कि 2005 के जिस समय हम सरकार में आए थे पहली बार एनडी के साथ, 2004 जो वर्ष था जिसमें आपके बिहार की धरती पे बीजेपी को एक मौका मिला। सुन लीजिए मनोज जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मनोज जी, आपको अगर पता है मैं जवाब नहीं बैठी हूँ मनोज जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपको पता है मनोज जी कैसे होते हैं, मनोज जी आप बोलने दीजिए, मैंने पिछली बार कह दिया था ना मनोज जी, आप सुनने की क्षमता रखते हैं, सुनिए पहले आप। मैंने मनोज जी पिछली बार बोल दिया था, आप जब बोल रहे थे कि अनुप्रिया जी आपका मैं माइक ऑफ कर दूंगा, मैंने उनसे बोला था जब आप बोल रहे थे, बोलिए अनुप्रिया जी। आप बात कर रहे हैं बीजेपी के अपने की, बीजेपी ने सींचा है नीतीश कुमार जी को, तो मैं मुझे लगता है कि 2004 में ये नीतीश कुमार जी के साथ ही आपने बिहार की धरती में अपने आप को साबित किया था और लगातार उसके बाद में आप सरकार में थे। दूसरी बात, आपने कहा कि वो चेहरा नहीं था नीतीश कुमार जिसको मुख्यमंत्री बना था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी मनोज जी कि 2019 में आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, और अमित शाह जी ने कई मंचों से कहा कि देखिए भाई हम में क्षमता नहीं है, हमारे पास भी कोई नेता ऐसा चेहरा नहीं है बिहार भाजपा में जिसको हम मुख्यमंत्री के रूप में साबित कर सके, हमारे पास में एक और एकमात्र चेहरा है नीतीश कुमार जी जिसपे बिहार की जनता को विश्वास है और बिहार की जनता ने ये शासन देखा है, सुशासन की सरकार, और हम आपके साथ ही चुनाव लड़ सकते हैं और आपके साथ ही हम सरकार बना सकते हैं, अन्यथा हम में काबिलियत नहीं कि हम सरकार बना सकते हैं। ये अमित शाह जी का बयान था, मुझे लगता है कि इसको देख लेना चाहिए आपको, मुझे कहेंगे पढ़ लेके आने चाहिए तो आप भी एक बार सुन लेंगे कि क्या हम आपके नेता ने कहा था। दूसरी बात की वर्तमान स्थिति में बता दूं आपके, बिहार के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या आपको पता है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, वो उन्होंने आरजेडी, उन्होंने जेडीयू, वहां से वो आके गए हैं। तो बिहार के भाजपा के नेताओं को तो अभी तक अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है ना। अनु जी एक मिनट, क्या होता है ना, मैं इस डिबेट को बार बार गठबंधन पे लाना चाहता हूँ, तो अभी मैं देख रहा था एक प्रेस रिलीज मेरे पास आई तो उसकी टैग लाइन थी, क्योंकि जब बोला मनोज जी ने ठगबंधन तो वो अनुराग जी की, मेरे पास प्रेस रिलीज आई तो उसका ऊपर लिखा हुआ ठगबंधन। अनुपम जी, ये बीजेपी का ये टैग लाइन है, ये सडनली जी कहते हैं ना कि एपिफेनी हुई, तो ये आपको लगता है ये जो नैरेटिव बन रहा है इसका टैग लाइन क्रिएट हो गया है? ये मेरे साथ में एक प्रेस रिलीज आई, सब जर्नलिस्टों को गई होगी, ये एक नया टैग लाइन क्रिएट हो गया है? ये ठगबंधन करके जी 2019 में जब उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना था तब से ये ठगबंधन वाला टैग चल रहा है, और उसका मूल वो यही है कि सब सारे दल जो आपस में किसी बात पे अग्री नहीं करते वो मोदी हटाओ प्रोग्राम पर एक साथ आ जाते हैं। अभी अनुप्रिया जी एक शुरुआत में एक बात कह रही थी, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं चाहूंगा बाकी पैनलिस्ट से पूछूं, करप्शन और डायनेस्टी, जैसे ये लोग डेमोक्रेसी की बात, अनुप्रिया जी एक मिनट, जैसे ज्योति जी और अनुप्रिया जी ने डेमोक्रेसी की बात बोली, बार बार कह रहे डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी नहीं, बीजेपी करप्शन और डायनेस्टी पे चुनाव लड़ना चाह रही है, चाहे लोकल इलेक्शन हो स्टेट हो, वो उसने वो दो शब्द पकड़े हुए हैं, टॉप टू डाउन सब लोग वही बात कर रहे हैं, और कांग्रेस और अपोजिशन में टॉप टू डाउन लोग बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। आपको लगता है कि ये लाइन खिंच गई है, चुनाव घूम फिर के इसी लाइन पे लड़ा जाएगा 24 में, डायनेस्टी प्लस करप्शन इक्वल टू लोकतंत्र? यही बात कह रहा था कि भाजपा लोगों को समझा रही है कि सब वंशवाद और भ्रष्टाचार
और विपक्ष लोगों को समझा रहा है कि सब अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र खतरे में। शुरुआती में ओपनिंग स्टेटमेंट में अनुप्रिया जी ने एक बात कही थी कि सारे राजनीतिक दलों को समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में। फॉर वंस मुझे लगता है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। राजनीतिक दलों में समझ में आ रहा है, कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा कि लोगों को समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो आपका प्रॉब्लम है। आप जनता को अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स। वही उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है कार्तिकेय जी। विपक्ष का जब आप कहते हैं विपक्ष एक, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला अनुपम जी, सॉरी मैं आपको रोका, बहुत अच्छा पॉइंट बोला ज्योति जी। बार बार ये कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला उनको, आप तो मेरे साथ रोज आपसे बात हो जाती है, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ। अनुपम जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, ठीक है मैं सुन लिया, इसका जवाब दीजिए, क्या आप सवाल का जवाब से क्या आप लोग आप लोग अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं जनता को, वो इश्यूज पे रिसेप्टिव ही नहीं है। आप कार्तिकेय जी ये बात बताएं, पूरी पार्लियामेंट को इस सरकार ने चलने नहीं दी, किस बात पर नहीं चलने दी, इसी भ्रष्टाचार के लिए ना, कि 609 पर से वो दो पोजीशन पर कैसे चल गए और उनको सारे LIC। अब मनोज गलत बात है, मनोज जी ये गलत बात है, आप सारे LIC SBI का पैसा केवल आप अदानी को दे दें, भ्रष्टाचार की ही तो बात कर रहे हैं ना।